उसे यूं पता ना कि मुझे बोलना क्या है। यूं कह बे मोदी जी कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा, गृह मंत्री जी कह दे मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे तू कोई लुगाई है ये बता दे। इस तरीके से रात देर रात जिस तरीके से पहलवानों के साथ जो भी घटना हुई उस घटना के साथ हम बात करना चाहेंगे। तमाम लोग यहाँ पे हैं, समर्थन में हैं। आप लोग कहाँ से आए? भाई बुलंदशहर से आया हूँ, यूपी बुलंदशहर से। नाम राम चौधरी है मेरा, पहलवानों के समर्थन में हूँ। चार दिन हो गए मुझे धरने पे आते आते, आज पांचवा दिन है। आखिर ये धरना क्यों चल रहा है? धरना भाई ये चल रहा है कि जो ब्रजभूषण के खिलाफ FIR कर गई है उसको अपने पद से हटाया जाए और उसको बर्खास्त किया जाए, जेल भेजा जाए। उसके मुकदमे लिखे हुए हैं, देख लो लिस्ट लग रही है, उस पर इतने मुकदमे हैं। भाजपा उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? कैसा क्या मतलब, ऐसा क्या रीजन है कि वो इतना बड़ा गुंडा हो गया, इतना बड़ा बदमाश हो गया कि भाजपा उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रही? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दे रहा है। अरे वो सफाई देता रहे, कुछ भी देता रहे, वो साला अनट्ठा आदमी है। उसको ये बताना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कभी तो कह रहा है मुझे डर लग रहा, कभी कह दे पहलवान सही है, कभी कह दे गलत है। उसे यूं बताना मैं बोल कर रहा हूँ, वो आदि क्या बात बताएगा जो वो कह देंगे? मतलब उसे साफ सीधी बात है, वो कहेंगे ना तू इस्तीफा देगा नहीं, दे देगा टाइम से दे देगा। हमारे राकेश टिकैत जी ने एक बार क्या वो इस्तीफा देगा? देगा, देगा, जेल भी जाएगा, बच्चा पड़ा रहेगा, सब काम करेगा, वो जेल भी जाएगा, इस्तीफा भी देगा। अभी ना मानेगा कोई बात ना, 11वां 12वां दिन आंदोलन की कोई दिक्कत ना है, आ जाएगा, दिमाग उसका ठिकाने आ जाएगा। अभी तक तो आ गया, परसों शाम मीडिया में उसने बताया क्या बोला 7:30 बजे, यूं कह रहा मुझे डर लग रहा पहलवानों से, मुझे मार मूर ना दे, मैं तुझे साले पिटने वाले काम कर रहा तू। आप कह रहे हैं कि वो आपराधिक प्रवृत्ति के पुराने हिस्ट्री रहा है, तो फिर डर क्यों लग रहा है उसको? भाई ये गुंडा है, उसके देख लो उस पर कितने मुकदमे हैं, कितनी उस पर प्रॉपर्टी है, कितनी उस पर गाड़ियां, हर चीज से तो मजबूत है। हकीकत बात ये है कि भाजपा इस पर कार्रवाई इसलिए नहीं कर पा रही कि अगर उसने भाजपा ने कार्रवाई कर दी तो वो आधी सरकार को ले मारेगा भाजपा की को। अच्छा, हाँ कैसे ले मारेगा? भाई यार सत्ता उसी के खिलाफ चल रही है, बस जो आदमी के खिलाफ गृह मंत्री जैसे इतने बड़े हो उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही तो बता, सीधी सीधी बात है वो बदमाश आदमी है, कुछ तो पद होगा उस पर। हमें सुना यूपी का, हरियाणा का, कहीं का भी हो, ठीक, कहीं का भी अपराधी तो अपराधी है, अपराधी तो अपराधी की गिनती में गिना जाए, वो ना गिना जाता क्या हरियाणा का, यूपी का या पंजाब का, वो गिना ना जाता। हकीकत बात ये है कि यहाँ धरना इसलिए चल रहा है कि उसका अपने पद से बर्खास्त किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, बस बात खत्म। इस बात से ज्यादा बड़ी बात है। कल देर रात जो घटना हुई, कई पहलवान के साथ जो है बदसलूकी की बात जानकारी आ रही है, और दूसरी बात आप लोग वहाँ पे थे घटनाक्रम में जब? मैं देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं चार दिन से लगातार मैं यही था, मैं चार दिन से लगातार यहाँ डेली आंदोलन में आ रहा हूँ। मैं सुबह क्या हुआ मैं सुनो, मैं बता रहा हूँ, मैं सुबह को आता हूँ 10 बजे, मैं शाम को चला जाता हूँ 6 बजे। क्यों भाई? मेरे घर पे भैंस है, सब चीजें सानी पड़ी, मैंने देखना पड़ा है, खुद करना पड़ा है सारा काम भाई, सब चीज देखनी पड़े, अपने पहलवानों के समर्थन में भी है, अपने गढ़ का काम भी देखना पड़ा है। जैसे मैं रात चला गया यहाँ से 6:30 बजे मैं चला गया, जैसे ही मेरे को 11:30 12 बजे का समथिंग पता पड़ी कि ऐसे ऐसे बात हुई हमारी बहन बेटियों के साथ, मैं सुबह यहाँ घर से 9 बजे चल दिया। जैसे चल दिया मुझे रोक लिया गया, मेरी गाड़ी रोक ली गई, गाड़ी बाहर एंट्री गेट पे, हाँ आज सुबह 9 बजे। और मेरे अभी कई मेरे बड़े भाई हैं, मंटू चौधरी NCR उपाध्यक्ष हैं, भागे करते उनको भी कार रोक रखा, उनको भी रोक रखा, उनको भी अंदर नान दे रहे। तो रोक रखा इतने लोग कैसे अंदर आ गए? भाई मैं बताता हूँ, अब आए ना, अब आए मैं ड्यूटी के साथ, सुबह आओगे तो जब, जब अब आप पालन हुआ, आदेश का पालन हुआ, जब यहाँ KYS सबने प्रेशर डाला तभी तो अंदर आने दे रहे। उन्हें एक बताता हूँ, रात से किसान दे रहे अंदर, किसको आने दे रहे, सबको बाहर से बाहर गिरफ्तार कर रहे, ले जा रहे जेल में। फिर अंदर आने दिया गया, फिर क्या बात हुई? क्या हुई? ये आन देंगे, 100 बार आन देंगे, और हम रात को भी आएंगे, रोक लो क्या होगा? जब रात, एक बात बताओ, इतने दिन से शांतिपूर्ण धरना चल रहा है तो इन लोग क्या मतलब, इनको भूत चढ़ा, भूत सवार चढ़ा कि रात इन्होंने आंदोलन बिगाड़ने का वो करा। पुलिस वाले कह रहे हैं कि गाड़ी जो आई, मतलब कि वो जो भी चीज लेके आई, पलंग लेके, एक बात बता, कल पूरे दिन बारिश हुई, मतलब सिक्योरिटी के खिलाफ था, कल पूरे दिन बारिश हुई, ठीक है, पूरे दिन बारिश हुई। तू बारिश में सो लेगा भाई के, तू सो लेगा बारिश में भाई, गद्दे गीले हो गए रोड पे तो सोंगे ना खिलाड़ी है भाई, इतने बड़े देश का मन सम्मान बढ़ा रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, रोड पे तो सोंगे ना भाई। उन्होंने किसी ने खाट दे दी, किसी ने पानी दे दिया, किसी ने बिजली दे दी, कोई गुनाह तो करने दिया? कोई गुनाह तो करने दिया भाई? जो फोल्डिंग पलंग लाया भाई, उसने बिछाने के लिए ऐसा तो बेड तो मंगवाना दिए कि 8-9 हज़ार रुपए का एक बेड है, और यहाँ गेर का यहाँ रात भर हम रंगे, यहाँ पूरे साल भर रंगे। छोटा सा फोल्डिंग का खाट थी, वो सुबह लेते हैं सूख जाते हमारे गद्दे, एक दिन बाद फिर वापसी भेज देते। इन्होंने वो भी उठवा के फेंकवा दिए कि ना यहाँ ना बिछन देंगे, नीचे सो धरती में। पुलिस वाले बदतमीजी कर रहे थे, शराब पी रखी थी, बदतमीजी कर रहे थे। अभी क्या अंदर आ चुका है वो गद्दा? कौन जो भी गाड़ी गंद गद्दा हुआ, क्या करो, कहाँ रात ही भिजवा दिए, रात ही हटवा दिए पुलिस ने, नहीं आ पाया ना, है नान दिए अल्लाह दंगे भी ना। वे सर वो क्या सोच रहे हैं यहाँ से धरना हटवा में है सरकार के प्लान में?